नमस्कार, आप देख रहे हो ओपिनियन बिहार को ऑनलाइन। मैं हूं आपके पास सुमन कृष्णा। आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार गेस्ट जुड़े हुए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल और भोजपुरी क्वीन कहे जाने वाली अक्षर सिंह के प्यारे भाई केशव सिंह। केशव जी, बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल ओपिनियन बिहार ऑनलाइन। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली बार आप सभी को नमस्कार एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जितना प्यार दिया अक्षर सिंह को इतने समय तक। और केशव जी कैसे हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। मैं ठीक हूँ, भगवान की दुआ से। अक्षर सिंह जी बिग बॉस हाउस से बाहर आ चुकी हैं और हालांकि उनके फैंस और तमाम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब वो बाहर आएंगे तो उनके हाथ में ट्रॉफी होगा, तो बिना ट्रॉफी लिए उनके बाहर आने का क्या कारण रहा होगा? सबसे पहली बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि गेम में कोई भी क्या, कई बार क्या होता है ना, हार हार का मतलब ये नहीं होता है कि पूरी दुनिया हमारी खत्म हो गई। उस चीज से हम कुछ नया, नए सिरे से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन डी अक्षय सिंह के बाहर निकलने का जो है वो दुख किसी को भी नहीं है, ना कि हम सब परिवार लोगों को, ना ही अक्षय सिंह के फैंस लोग को। दुख इस बात का है कि जिस तरीके से उनके ऊपर लांछन लगाया गया, ठीक है, जैसे भगवान का भी लोग अपमान करते हैं, माता भगवान राम की जो पत्नी सीता है उसका कितने लोगों ने अपमान किया, तो उनका भी लोगों ने अपमान किया, हर कोई किया, तो ये मतलब वो भी बेबुनियाद है सरासर। और बहुत सारे इसके क्या है सबूत भी है, पुख्ता सबूत हैं कि ये बिग बॉस में क्या है अनफेयर हुआ है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये प्रूफ है हम लोग के पास, जिससे हम सभी दर्शकों को ये प्रदर्शित करना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, खेसारी लाल यादव जी भी बिग बॉस पे गए थे और जब वो बाहर आए थे तो उन्होंने बताया था कि वो भी लगातार ट्रेंड कर रहे थे और हमेशा सेव किए जा रहे थे, उसके बावजूद उन्हें जबरदस्ती हटाया गया है। और क्या अक्षरा जी को भी इसी प्रकार हटाया गया है? हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि इन लोगों को क्या लगता है ना कि जो भी लोग बिहार यूपी से आते हैं वो लोग क्या है, कुछ कुछ नहीं है, वो लोग जीरो लेवल के हैं, ठीक है, चाहे वो लोग अच्छा खेले या ना खेले, ठीक है। टीआर इन लोगों को क्या है, पहली बात बुरा ना माने, लेकिन अब मैं जो है, पहले तो बहुत ज्यादा मैं शांत था, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। जो भी अभी हो रहा है अन्याय, सरासर ये अन्याय है, ठीक है। और ये क्या है ना, ग्रुपिज्म और नेपोटिज्म, जो बायस्ड गेम जो है, स्ट्रैटेजी जो हुआ है बिग बॉस के घर के अंदर, पहले दूसरे हफ्ते में ये देखने को मिल गया था, ठीक है। अभी जो ये दोबारा जो ये हुआ है, ये साफ साफ बायस्ड है, जो कि करण जौहर और बिग बॉस की टीम ने ये रचाया है, और उसका हमारे पास सबूत है एक पिक्चर के रूप में, जो कि ये पुख्ता प्रमाण है। अक्षय सिंह के साथ अनफेयर हुआ है बिग बॉस में, उनको एविक्ट किया गया है, उनको ढेर सारे वोट भी मिले हैं, और खेसारी लाल यादव भी जो है उनको भी सेव किया गया है, ठीक है। लेकिन ये सब क्या है ना, उनको टीआरपी नहीं, जो जिनको नहीं मिलता है वो लोग कितने हद तक गिर जाते हैं कि एक बेकसूर लोग को भी वो लोग क्या है जलील करके बाहर निकालते हैं और उन्हें आउट कर देते हैं। आपने जो अभी बताया कि अक्षर सिंह के साथ अनफेयर हुआ था, इसके बजाय हम ये कह सकते हैं कि ये भोजपुरी के साथ अनफेयर किया जा रहा है, भोजपुरी के साथ भेदभाव किया जा रहा है? दरअसल मैं इस पे कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि बिना किसी प्रमाण के आप किसी पे आप इल्जाम नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, एक जो कहीं ना कहीं संकेत तो वही है केशव जी, क्योंकि खेसारी लाल यादव जी का भी स्टेटमेंट उसी से मिलता जुलता था। हाँ, तो ये तो अनफेयर है, ये तो मतलब आप लोग क्या करते हो कि जो भी न्यू कमर आते हैं, जिनको वोट ज्यादा मिल रहे हैं, जो लोग इतने ऑनेस्ट है, आप लोग क्या है उनको आप ग्रुप से आप हटा, उनको आप बिग बॉस के घर से आप निष्कासित कर देते हो, ठीक है। और जो लोग क्या है अनकल्चर्ड लोग हैं, जो लोग गाली गलौज करते हैं, अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो लोग किसी के माँ बाप पे जाते हैं, परिवार पे जाते हैं और कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं, इन लोगों को क्यों बिग बॉस इनकरेज इन लोगों को इतना करती है?
जबकि ये सब तो सभ्यता के खिलाफ है ना, भारतीय सभ्यता के खिलाफ। बिल्कुल। अच्छा, अब आगे का क्या प्लानिंग है? क्योंकि फैंस लगातार ट्विटर पे ट्रेंड करवा रहे हैं कि हम अक्षरा सिंह को फिर से बिग बॉस में देखना चाहते हैं, और एक ऐसी खबर भी आई है कि सलमान खान जब मेन बिग बॉस ओटीटी वाले पे नहीं और मेन बिग बॉस पे आएंगे, होस्ट करेंगे जब सलमान खान, तो उसमें अक्षरा सिंह जा सकेंगे। ऐसा क्या मतलब लग रहा है, ये पॉसिबल है क्या? जी दरअसल मैं इस बारे में कुछ मैं कह नहीं सकता हूँ जब तक इस बात की पुष्टि ना हो जाए, ठीक है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी ये हुआ है अक्षरा सिंह के साथ, ये बहुत ही गलत हुआ है जिस तरीके से। और ये भी चीज़ मैं बताना, अब मैं खुलेआम बोलना चाहता हूँ कि आज के पिक्चर से ये जो वायरल हुआ है, ये पक्का प्रूफ है कि जो जिस टाइम पे संडे को हाँ, करण मैं जौहर उस पे आ रहा हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ। एक जनता का सवाल में एक लेडी जा रही थी, उनका देखा जा रहा है कि अभी पता चला कि वो बिग बॉस की टीम के ही कोई मेंबर है, और जनता बनकर आई और अक्षरा सिंह जी पे टारगेट की। मतलब ये कितना सच है? ये 100%, 110% ये सच है पिक्चर के हिसाब से। अब भले ही लोगों के बयान, लोगों के स्टेटमेंट झूठे हो सकते हैं, लेकिन जी प्रूफ कभी भी जो रहता है ना, रिटन प्रूफ या पिक्चर के द्वारा जो प्रूफ रहता है, वो कभी गलत नहीं हो सकता है। और ये आज इस चीज़ से प्रूफ हो चुका है कि 100% अनफेयर है जो कि करण जौहर और बिग बॉस की टीम द्वारा रचाया गया है। और जितने भी जो कंटेस्टेंट है, जो लोग मतलब वल्गैरिटी कर रहे हैं, जैसे प्रतीक, नेहा, शमिता, राकेश, जी ये सब ने मिलके वल्गैरिटी किया, ग्रुपिज्म किया बिग बॉस में। दिव्या को भी पहली बार गेम में पटक के गिराया था प्रतीक और नेहा ने मिलके। फिर अक्षरा सिंह के साथ भी इन्होंने जिस तरीके से इनको जलील किया, धोखा दिया। और करण जौहर ने जिस तरीके से फैंस होने का जो लोग ढोंग किए थे बिग बॉस की टीम लोगों ने, और उनको जलील किया जिस तरीके से, ये सरासर गलत है। और ये भारतीय सभ्यता पे क्या है, जो उंगली जो ये लोग उठा रहे हैं, जो अक्षादी जी जिसको फॉलो कर रहे हैं ये लोग, जो नेहा भसीन जो क्या है बार बार अक्षा सिंह के कल्चर पे उंगली उठा रही जब वो भगवान का नाम लेते हैं। खैर ये संस्कार है हमारा कि बिल्कुल, हम भगवान का जो नाम लेते हैं तो उसपे किसी का बोलने का हक नहीं है कि आप सिंपैथी कार्ड बिल्कुल नहीं है। मांगे, जो कि नेहा भसीन ने बोला है। हम अपने धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, तो इसमें किसी को भी हस्तक्षेप करने का कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, तो ये कोई नहीं बोल सकता है कि आप सिंपैथी कार्ड खेल रहे, जब हम भगवान भगवान का जब हम लोग ध्यान करते हैं या भगवान का हम लोग नाम लेते हैं, जो नेहा भसीन ने उंगली उठाया है। और ये जो करण जौहर और प्रतीक और जो भी जो ढोंगी फैंस जो बने हैं अभी तक में, ठीक है, तुच्छे लोग, ये लोग जो मिलके जो कह रहे हैं कि ये सिंपैथी कार्ड खेल रही है, ये फैमिली कार्ड खेल रही है, अक्षरा सिंह के सभ्यता पे जो उंगली उठा रहे हैं, कल्चर पे उंगली उठा रहे हैं, ये सरासर गलत है। और ये धब्बा है करण जौहर के होस्ट होने पर। एंड जी दूसरी बात, ये मैं कहना अपनी बातें व्यक्त करना चाहता हूँ कि करण जौहर, बिल्कुल, जो नेहा बोलती है कि अक्षरा सिंह वल्गैरिटी करती है, वो कौन सा वल्गैरिटी कर रही है? कभी प्रतीक के शरीर पे जाके वो लेट जा रही है, वो कौन सी संस्कृति है कि किसी पराए मर्द के आगे मतलब लेटना, ठीक है, फिर किसी अक्षरा सिंह को फिर क्या है गाली गलौज दे के बात करना, गेट आउट ऑफ माई लाइफ, क्या ये कल्चर है? क्या बिग बॉस इसी इसी का नाम है? क्या बिग बॉस ऐसे लोगों को इनकरेज करती है, वो भी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए? पहले के जितने भी सारे बिग बॉस के जो सीजन थे, 4 से लेके जिसमें श्वेता तिवारी विनर रही है, उस टाइम से लेके कभी भी बिग बॉस के घर में ना तो कोई किसी के फैमिली पे जा सकता था, ना ही कोई किसी पे हाथ उठा सकता था, ना ही कोई गाली दे सकता था। अगर गाली का शब्द का यूज किया जाता था तो उसको घर से बेघर किया जाता था। अब क्या है,
अक्षय सिंह तो कोई अभद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं की, ना ही गाली गलौज की। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग तो गाली गलौज दे करते हैं घर में, फिर भी बिल्कुल करण जौहर इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। और अक्षय सिंह ने सिर्फ एक बात क्या बोली अपने, जो कि ऐसा बात जो उन्होंने कहा था कि टांग फैलाकर बैठना, ये तो मतलब हिंदी हिंदी भाषा में, हमारे भाषा में ये बोला जाता है, लेकिन उसका बिल्कुल ये मतलब थोड़ी ना है। आप लोग उसको गलत मीनिंग में निकाल करके आप लोग ढोंगी फैन हो बन के आप लोग ये बोलते हो कि एक लड़की हो के आप एक लड़की के खिलाफ आप कैसे बोल सकते हैं, जबकि वो खुद लड़की नेहा बसिन जो है, कभी नेहा बसिन बोलेगी यू फक एंड गेट आउट ऑफ माय, गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर, फिर कभी शमिता, तो ये कहाँ कहाँ की कल्चर है। बहुत ही गलत शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, उसके ये बावजूद बहुत करण ही जौहर गलत खुद उन्हें है। टेप कर हाँ, रहे हैं। जब करण जौहर और जितने भी सारे बिग बॉस की टीम ने जो फैंस होने का ढोंग किया आज के सबूत के हिसाब से, वो सरासर गलत है। इन लोगों, जब कोई एक आदमी गलत करता है ठीक है, आप उसको आप ये चीज बोलते हो ठीक है, लेकिन जब कोई और गलत कर रहा है, आप इक्वली लोगों को आप ट्रीट करो ना। आप थोड़ी ना मतलब आप सेली शमिता शेट्टी सेलिब्रिटी है और करण जौहर भी डायरेक्टर है तो प्रोड्यूसर है, तो इट डजेंट मीन ना कि आपका जो फैमिली का आपस का लेना देना है, पहचान है, आप लोग उसको सपोर्ट करोगे जिसको ज्यादा से ज्यादा वोट मिल रहे हैं, जो लोग बिग बॉस में डिजर्व होने के लायक नहीं, जिनको पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप उनको बिल्कुल प्रमोट कर रहे हो, आप उनके उनके ऊपर तो आप लांछन नहीं लगा रहे हो, जबकि सारे दर्शक देख रहे हैं कि ये सरासर गलत है। अच्छा, ऐसा देखा गया है कि जब नेहा और प्रतीक अक्षरा सिंह के बारे में अगर कुछ कह रहे थे तो वो हाँ कुछ बातें अगर भूल भी जा रहे थे तो करण जौहर उन्हें याद दिला रहे थे कि अरे अक्षरा ने तो ऐसा भी बोला था, अक्षरा ने तो ऐसा भी बोला था, कि ऐसा आपने देखा क्या? हाँ बोला था। और ये मतलब सेकेंड हफ्ते में, टारगेट किया जा रहा था। हाँ सेकेंड वीक बात हुआ था, सेकेंड वीक का ठीक है, और आप जो है 2 हफ्ते के बाद आप बोल रहे हो, अगर प्रॉब्लम इतना ही था अक्षय सिंह से तो ये पिछले हफ्ते संडे को बताना चाहिए था, थर्ड वीक में डिस्कशन करना चाहिए था, आपने फोर्थ वीक में क्यों डिस्कशन किया, फोर्थ वीक में आप लोगों ने क्यों अक्षय सिंह के ऊपर उंगली उठाया। अगर जब आदमी जब दो लोगों में आपस में झगड़ा होता है ना, तो आपको दोनों को क्या है, दोनों से आपको बातचीत करनी दोनों के चाहिए, बाद, हाँ आपको बिल्कुल आपको एक आदमी को कोई टारगेट करने का हक नहीं है। जी जब बिल्कुल, और आप शमिता भी, होस्ट हैं। हाँ, और जब दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो दोनों ही गलत होते हैं, ताली कभी एक हाथ से नहीं बचता है। एक आप नहीं, सही बात है। हाँ, आपको ये शमिता बताइए, को भी बोलना चाहिए, जो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, हम चाहेंगे कि इस वर्ड वेल को थोड़ा सा एजुकेटेड, अवॉइड करें। वेल सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे बोलने में शर्म आती है, लेकिन बट इनकी मैं सच्चाई बता रहा हूँ, और आज जी मुझे बिल्कुल लगा ये चीज बताना चाहिए, पहले भी मैं बोल सकता था लेकिन आज लगा बोलना चाहिए, क्योंकि ये गलत हुआ है और ये आगे गलत नहीं हो किसी के साथ, इसलिए सिर्फ मैं ही नहीं, सारे बिहार की जनता, यूपी की जनता, झारखंड की जनता, सब मिल के इसके खिलाफ आवाज उठाएं, ताकि ये नेपोटिज्म का जो है टैग ये हट जाना चाहिए बिग बॉस के शो से। लगातार बॉयकॉट बिग बॉस की खबरें आ रही है और लोग ट्रेंड करवा रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है, क्या ओपिनियन है आपका? लगातार लगातार बॉयकॉट बिग बॉस को बॉयकॉट करने की खबरें आ रही है, ट्रेंड करवाया जा रहा है हाँ लोगों ये द्वारा। चीज, हाँ ये चीज है, क्योंकि ये सरासर अभी गलत है, और ये जो चीज आज जो हुआ ये सही हुआ, ये चीज मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत पहले करना चाहिए था लोगों को, तो आज ये ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। रही बात, एक और चीज मैं लाइन अपनी ऐड करना चाहूंगा, जिस तरीके से शमिता जो अपने आप को दिखाती है, नेहा अपने आप को दिखाती है, प्रतीक कि वो लोग वेल एजुकेटेड है, वो लोग हाई हाईली वेल एजुकेटेड फैमिली से आए हैं ठीक है, अच्छे बैकग्राउंड से आए हैं, इंग्लिश बोलने से, इंग्लिश के दो चार लाइनों को बोलने से कोई भी यहाँ पे वेल एजुकेटेड नहीं बन जाता है, वेल कल्चर्ड नहीं बन जाता है। आप गाली शब्द का आप यूज कर रहे हो, अभद्र शब्दों का आप यूज कर रहे हो, उससे आप अपना कल्चर दिखा रहे हो कि आप क्या अपने परिवार से सीखे हो, आप कौन से परिवेश में आप रहे हो। अक्षय सिंह तो क्या है, हिंदी में बात करती है, जबकि बिग बॉस के घर में ये 1000 बार बोला जाता था हर किसी को कि घर हिंदी में ही में बात करें। घर में हिंदी शब्दों का प्रयोग करे, कोई नहीं सुनता था, अक्षय सिंह ने हिंदी में बात किया।
तो किस एंगल से जब अक्षरा सिंह हिंदी में बात करे ये प्रतीक बोल सकता है कि हिंदी में आप बात ना करें? बिल्कुल ये तो बिग बॉस के नियमों का उल्लंघन है ना। जो लोग बिग बॉस के नियमों का उल्लंघन करते हैं उनको तो कोई कुछ नहीं बोलता है। इससे तो साफ प्रतीत होता है जीशान, कि जीशान भी की भी गलती नहीं थी, ठीक है, उसको भी टारगेट किया गया, ठीक है, उसको भी इंस्टिगेट घर सारे लोगों ने भी किया, लेकिन बिग बॉस ने प्रतीक को नहीं देख के जीशान को हटा दिया घर से। ये कहाँ की बिल्कुल नाइंसाफी, प्रतीक को भी घर से आउट करना चाहिए था जो इतना वल्गैरिटी करता है। इससे तो साफ जाहिर होता है कि ये स्क्रिप्टेड है, कि यस, इट्स अ हमें स्क्रिप्टेड। इन्हीं चारों को आगे लेकर जाना है, चाहे ये गलत रहे अच्छा रहे कैसा भी गेम खेले, इन्हीं को आगे लेकर जाना है चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा लगता है क्या? ये 100% लगता है। पहले हम लोग को लगता था ऐसा, सबने मिलके ये अपने मन में धारणा बना ली थी कि ये नेपोटिज्म है, बायसनेस जो करण और बिग बॉस के सारे टीम लोगों ने किया है, और ये लोग वल्गैरिटी को ही प्रमोट ज्यादा करते हैं, इनकरेज करते करण हैं। जौहर भी बायस है क्या? अच्छा यस, 100% है। क्यों है? क्योंकि क्या है, पहले तो ऐसा सबके मन में ये चीज चल रहा था, लेकिन आज वो चीज क्या है, सामने आ गया है सबूत के तौर जी, पर। प्रूफ के जो साथ। आज, जो आज ये सबूत जो है ये बहुत जल्दी क्या है, लोगों के सामने आएंगे। बिल्कुल आप हम फेसबुक, आप हर सोशल मीडिया पे ये देखोगे कि वो जो पिक्चर जो है, जो एक लेडी का था जिन्होंने फैंस के रूप में अक्षरा सिंह को, जो उन्होंने ये चीज खड़ी खोटी सुनाई, बिग वो फैंस नहीं है, वो बिग बॉस की टीम बॉस का के हिस्सा टीम है। मेंबर ही है तो इससे पता चलता है कि ये सब स्ट्रैटेजी है। जी। और इन लोगों को हम क्या लगता है ना कि यूपी बिहारी वाले लोग क्या है, छोटे दर्जे के हैं, ठीक है, इनको क्या है ना, हम लोग कदर के नहीं पास है आए वहां हाँ पे, हाँ कदर नहीं है यूपी बिहार के लोगों का, वो सोचते हैं हम इन्हें हाँ दबा इन लोगों को सकते दबाना चाहिए, ये लोग इजिली हैं। दब जाते हैं। लेकिन क्या है ना, यूपी बिहारी वाले लोगों में इतनी ज्यादा दया और इमोशन होती है। बिल्कुल हम ये जानना चाहेंगे कि जब अक्षरा सिंह जी घर लौटे हैं इतने दिनों के बाद, तो घर का क्या माहौल था, उनका पहला शब्द क्या था? दरअसल वो भी खुश थी, ठीक है, हम लोग को भी बहुत बड़ा झटका लगा, और हमारे अलावा जो भी फैंस हैं उन सब के भारतीय दर्शक जो लोग उनको पसंद कर रहे हैं उनको भी झटका लगा कि इतने वोटिंग्स मिलने के बावजूद भी, सब लोगों का प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद मिलने के बावजूद भी, कैसे अक्षरा सिंह को घर से बेघर किया गया, और वो भी ये टीवी में बताते हैं करण जौहर द्वारा कि जनता के हिसाब से आप लोग को कम वोट्स मिले हैं। बिल्कुल नेहा को तो जब वोटिंग कम मिला था, प्रतीक का भी वोटिंग कम था, अक्षरा और गाबा से कम में, उस टाइम पे तो इन लोगों ने एलिमिनेशन का सिस्टम हटा ही दिया। जब अक्षरा सिंह की बारी आई तब तो इनको बेघर करना ही था। जब अगर आप किसी को एलिमिनेट कर रहे हो, एक गेम में मजा तभी आता है जब आप एक फेयर गेम खेलते हो, अनफेयर और बायसनेस स्ट्रैटेजी नहीं होता, तब वो मजा आता है। अदरवाइज ये सब चीज जब आपको करना ही था तो आप लोगों ने बिग बॉस के हाँ घर में क्यों आप लोगों ने लिया, आप डायरेक्ट शमिता शेट्टी को या नेहा को, बिल्कुल नेहा, प्रतीक, राकेश बापट, इन लोगों को आप प्रमोट कर दें? क्या मतलब है ये बिग बॉस शो बनाने का जब आप एक फेयर गेम नहीं खेल सकते हो? अब सलमान खान में शायद वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, जब तक हम लोग के पास उसका सबूत नहीं आ जाता तब तो हम लोग उस पर कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ये ओटीटी वाले में 100% है। अच्छा, लोगों द्वारा अक्षर सिंह को एक नाम दिया जा रहा है, शेरनी कहकर कहा जा रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि बिहार झारखंड यूपी की शेरनी हार कर भी जीत गई? सी, अभी जो आदमी क्या, जो ट्रॉफी नहीं लिया, ठीक है, उससे ये साबित नहीं हो जाता है कि आप विनर हो। आपको क्या है कि दर्शकों का भी प्यार है। लोगों के दिलों में, हाँ लोगों के दिलों में तो वो जीत गई ना, लोगों के दिलों हाँ में तो लोगों अपना के एक दिलों अलग में, जगह बना, हाँ सिर्फ लोगों के दिलों में कम, उनको जीत ट्रॉफी के मिला विनर को है, हम विनर प्यार नहीं कह मिला। सकते हैं। ट्रॉफी के विनर को विनर नहीं कहा जा सकता है, आपको लोगों का दिल जीतना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल जो अक्षत बिल्कुल सिंह ने जीता है, ठीक है, बाकी घर के किसी सदस्य ने नहीं जीता है, तो असली विनर जो है हमारे, हम लोग के हिसाब से वो वही है, ठीक है, लेकिन इन लोगों को क्या है, बिग बॉस की टीम को
लगा कि नहीं अक्षय सिंह को जब इतना ज्यादा प्यार आशीर्वाद सब लोगों द्वारा मिल रहा है और ये जो है शमिता नेहा इन लोगों को टारगेट करके आगे निकल रहे, तो चलो क्या है इसी को ही गेम से आउट कर दो, निकाल दो इसको ही धक्के मार के इस घर से, ये इनका स्ट्रैटेजी था। केसर जी, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। जितने भी लोग थे बिग बॉस हाउस में, सभी ने पीआर टीम को ये हायर कर रखा था, और अक्षरा सिंह बिना पीआर टीम के हायर किए हुए भी लगातार नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहे थे और दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा था। तो आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे अभी? सबसे पहली बात, संदेश देने के साथ साथ मैं आप सभी जितने भी दर्शक जो अक्षय सिंह के सपोर्टर्स हैं, आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप लोगों ने शुरू से लेके अभी तक मैं अंतिम क्षण तक जो उन्हें सहारा दिया, बस आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर आप अपनी शेरनी को न्याय दिलाना चाहते हैं, इंसाफ दिलाना चाहते हैं, और उन्हें जो है वापस से अगर आप चाहते हैं बिग बॉस के शो में देखना, तो आप लोग को उनके इस नेपोटिज्म, बिग बॉस में जो चल रहा है ग्रुपिज्म चल रहा है, बायसनेस जो करण जौहर और बिग बॉस की टीम लोग कर रही है और घर के लोग लोगों का भी जो इसमें हाथ है, उस सब के खिलाफ आप सब लोग को आवाज उठाने की ज्यादा जरूरत है और हम सबको एकता बनाने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम सब एक परिवार के हिस्सा हैं। जब हम बिल्कुल लोग आपस में जुटेंगे तो सब मुमकिन है। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद केशव जी अपना समय देने के लिए। आप हमारे वीडियो को अगर YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे वीडियो को Facebook पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।